दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आपकी तैयारी? तो आजकल वीडियोस ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी ड्यूटी की समस्या है। हालांकि जब भी समय मिलता है और कुछ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं तो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। इसी बीच में लगातार कमेंट्स आ रहे थे और कुछ कमेंट ऐसे थे कि मतलब मैसेज का रिप्लाई नहीं करते और काफ़ी बड़े हो गए हैं आप। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ड्यूटी की व्यस्तता है और थोड़े कुछ मतलब इस पीरियड में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती हैं तो हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं फालतू का उस हिसाब से। लेकिन हाँ, आज आपके कमेंट्स वाले सेक्शन को ये करते हुए मैंने उसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 कमेंट्स 10 कमेंट्स लगभग पिक किए हैं। इसके बाद मैंने सोचा है कि जो भी आपकी समस्या हो, कोई भी एग्ज़ाम को लेके, फिजिकल, बीपीएससी तक, यूपीएससी भी आप कुछ पूछ सकते हैं, कभी कभार मैं बता सकता हूँ आपको। हालांकि ये उपयुक्त नहीं लगेगा क्योंकि मैंने उसके लिए कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया है, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मैं आपके साथ रख सकता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। एग्ज़ाम से रिलेटेड या कुछ बुक्स वगैरह से रिलेटेड जानकारी आप अपने जो चाहिए कमेंट्स के माध्यम से रखिए। मैं कोशिश करूँगा 2 दिन 4 दिन या समय मिला तो लगातार ही 5-10 मिनट का समय निकाल के आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको एक मतलब ज़रूरत के हिसाब से गाइडेंस मिलता रहे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। 10 कमेंट आज मैंने पिक किए हैं। सबसे पहला था कि सर मेरा ऑपरेशन हुआ है किडनी स्टोन का, तो मैं फिट या अनफिट, 100% फिट है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी सेम टाइप का एक ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड था कि किसी महिला का था कि उनके मतलब उनका बच्चा हुआ है ऑपरेशन से, तो क्या वो फिट हैं कि नहीं फिट हैं? बिल्कुल आप फिट हैं, आप दौड़िए, फिजिकल क्लियर कीजिए, आपका फिजिकल हो जाएगा, आपका जॉब हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा लगातार कमेंट आ रहे थे, दूसरा कमेंट हर मैसेज पे, हर वीडियो पे कि वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए एग्जैक्टली सूचना कोई नहीं है कि कब आएगी, लेकिन लगातार आप पेपर में देख रहे होंगे हर अगले दिन, 2 दिन बाद 4 दिन बाद। तो मान लीजिए कि पेपर में जो वैकेंसी के बाद की सूचना है, हाइट बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो आयोग के अलावा जो इसका मंत्रालय है या फिर मतलब एक मंत्रिमंडलीय समिति है, इन सब चीज़ों को जो देखती है उनके द्वारा निर्णय निकल के आता है। मतलब ये चीज़ें हैं जो लगातार चर्चा में हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये लगातार इस पे चर्चा किया जा रहा है तो कुछ चेंजेस करना है नहीं करना है, कर करा के वैकेंसी आएंगी। ये मतलब कुछ सूचना नहीं है, मैं आपको नहीं कह रहा कि कल के ही कल आएंगे, लेकिन जब आएगा तो आपका सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। इसलिए बाकियों की तरह ना बने, उन 90% की तरह आप इंतज़ार करिए, अच्छी बात है। इसलिए मैं लगातार इस पे वीडियो नहीं बनाता, कुछ भी इंतज़ार कीजिए लेकिन साथ के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 3 वैकेंसी में छटे हुए लोग हैं जो मतलब एकदम लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो आपको पीछे छोड़ने के लिए किसी भी हद तक तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इंतज़ार और पढ़ाई आपको दोनों करना है। वैकेंसी आएगी तो फिर आप पीछे ना रह जाएं, अभी से ही आगे एज लेके आपको चलना है। तीसरा, ठीक है, हाँ, तीसरा है कि एग्ज़ाम के लिए लूसेंट कितना ज़रूरी है। और लूसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट बुक है, आपको पढ़ना है। उसके लिए मैंने आपको एक दिन समझाया भी था, और लूसेंट को कैसे कवर करना है हम लोगों ने पढ़ा था, लूसेंट और घटनाचक्र मैंने पढ़ा था। कम समय में लूसेंट और घटनाचक्र आपको कैसे पढ़ना है, ये लूसेंट के लिए है स्पेसिफिकली। हम लोग ग्रुप रन भी कर रहे हैं, लूसेंट हम लोग पेज बाई पेज करा रहे हैं। हालांकि आप अपने ग्रुप में भी जुड़ के उसको पढ़ सकते हैं और सेल्फ में भी पढ़ सकते हैं, एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा लूसेंट कैसे पढ़ना है उसको लेके। लेकिन लूसेंट आपके लिए मस्ट है, आपके टेबल पे होना चाहिए। मान लीजिए कि 30 से 40% चीज़ें भी उसे कवर करती हैं, तो एक बुक आपके एग्ज़ाम के लिए इतना बेनिफिशियल है जितना कि और कोई बुक नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि सर चेयरमैन बदल रहे हैं तो इससे एग्ज़ाम के वैकेंसी और इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सुनीत सर जो हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, हालांकि बहुत सारे अफवाह हैं कि ऐसा होगा, ये आने वाले हैं वो आने वाले हैं, लेकिन मेरा मतलब जो छोटा सा सूचना तंत्र है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि सर अभी बदलेंगे। उनका एक कार्यकाल और भी बढ़ना चाहिए, ये मतलब मेरी निजी जानकारी है और मतलब मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। तो ये उससे कुछ लेना देना नहीं है, 31 मार्च के बाद आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है उनका कार्यकाल रिमेन रहे, या मुझे लग रहा है कि होना ही चाहिए। 5वां प्रश्न, एक छात्र ने कमेंट किया था कि मैंने बहुत सारी बुक खरीद ली, खुद मैं कंफ्यूज हो गया था, फिर उसके बाद आपका वीडियो देखा और मैंने लूसेंट पे फोकस किया, तो अब मुझे एग्ज़ाम की समझ और बुक की समझ भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप और भी बुक्स खरीद ली हैं, ऐसे कोई मतलब इसमें गलत बात नहीं है, बुक को रख सकते हैं, बुक रखने वाली चीज़ है, लेकिन आप लूसेंट पे फोकस कर रहे हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक बुक्स पे फोकस कर रहे हैं, वो ये आपको फ़ायदा करेंगे आगे के एग्ज़ाम में जाके, आपको इससे हेल्प मिलेगा। आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी जब लूसेंट को लगातार बार बार पढ़ेंगे। तो थैंक यू।
अगला कमेंट है कमलेश राज जी ने किया है कि ग्रुप तो सही से चलाता नहीं है, सीधे ब्लॉक कर देता है। तो देखिए ग्रुप में आप जुड़े हैं उसके साथ साथ आपके जैसे 4-5 हज़ार और लोग जुड़े हैं, आपके एक मैसेज करने से बाकियों का अगर एक एक मिनट 10-10 सेकेंड भी डिस्टर्ब होता है तो बाकियों की पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग कोई भी जब ग्रुप स्टार्ट होता है तो हम लोग लगातार बताते हैं कि कोई बीच में मैसेज नहीं करना, आप टेस्ट दे लीजिए, टेस्ट देने के बाद आपको मौका मिलेगा बोलने का, आपकी बातों को रखने का, लेकिन फिर भी यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाता है 3 दिन के लिए, ये हमारा नियम है। तो पढ़ाई में व्यवधान नहीं होना चाहिए इस वजह से, बाकी हम आपको ब्लॉक करके मतलब कोई ऐसा नहीं कि अच्छा इसको ब्लॉक कर दो इसका जॉब हो जाएगा तो हम लोगों से आगे निकल जाएगा, हमारा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है। बस हम लोग इसलिए करते हैं कि आप ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दे सके अनुशासन के साथ। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, नौकरी में छटेंगे क्या मेडिकल में? मेडिकल की भी चिंता नहीं करनी, मैंने एक वीडियो बनाया था वो काफ़ी है, 99% ये है चांसेस हैं कि आप नहीं छटिएगा, 100% मान लीजिए, बट 1% किस्मत का ये होता है कि सब कमेटी वहीं बैठ गई कुछ हो गया ऐसा, तो 1% चांस है, इसको भी अपना नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नौकरी में आप नहीं छटेंगे, बेफिक्र होकर तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न है फुली सेटिंग वाला पोस्ट है, तो ये कमेंट इस टाइप के लोग करते हैं जो पढ़ने पे फोकस नहीं करते, उनका ध्यान मतलब पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के निगेटिव चीज़ों पर ही ज़्यादा रहता है। तो यदि आपके पास सेटिंग का जुगाड़ है तो आप सेटिंग कर लीजिए, पढ़ाई पे फोकस मत कीजिए। लेकिन ये सब जो फालतू बात है वो जिनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है वो फुली सेटिंग वाली बात करते हैं। का सब लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको पता है कि उन्होंने कितना पढ़ा और वो रिजल्ट ले रहे हैं, तो इस पर कि जो पढ़ फुली सेटिंग है सब इन सब चीज़ों से छात्र जीवन में आप दूर ही रहिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन होना तय बात है, ठीक है। 9वां प्रश्न है बिहार एसएससी के कटअप के बारे में, देखिए बिहार एसएससी के को लेकर हमने ग्रुप भी बनाया था, हमारे से काफ़ी अच्छे खासे बच्चों का मार्क्स भी आ रहा था, लेकिन बाद में ये जो मतलब इतना ड्रामा हो गया, कोर्ट ड्रामा, रोड पेस, आयोग ने जो किया छात्रों के साथ, एक पाली को कैंसिल किया, दूसरा नहीं किया, हालांकि आयोग की क्या मंशा है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कट ऑफ के बाद उसके बाद वीडियो बना के मतलब वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप 110 के आसपास जनरल के पे हैं तो आप तैयारी करिए, रिजल्ट उन लोगों को ज़्यादा देना चाहिए ताकि मेन्स में ज़्यादा लोगों को मौका मिले, मैं ऐसा मानता हूँ। और अंतिम प्रश्न है कि आपके ग्रुप के एक टॉपर हैं, हमारे ग्रुप के एक टॉपर थे गया से हैं, उनका एक इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था, 93 उन्होंने स्कोर किया था बिहार में, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा किसी का स्कोर होगा, हालांकि वो फिजिकल में छट गए थे, वो हमारे एग्जाम पोर्टल के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए थे और बिहार के ये भी टॉपर थे दरोगा के, यदि उनका हो जाता तो फिजिकल नहीं क्लियर हो पाया था किन्हीं कारणों से, बट रिटेन के टॉपर थे, तो उनके इंटरव्यू के बारे में बहुत लोगों ने कमेंट किया है, तो हम लोग उस पर जल्द ही करेंगे। वो एक टीचर हैं पेशे से, तो उनको जैसे ही समय मिलता है उनका इंटरव्यू आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। तो ये हो गए 10 कमेंट, इसके अलावा आपको जो भी प्रश्न है दिमाग में कमेंट में लिख दीजिए, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखिए, खैर आप जो लिखेंगे उसका जवाब मैं उसी तरीके से दे सकता हूँ, लेकिन कोशिश करिए कि आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे से ही उस हिसाब से लिखें। तो ये रहे 10 कमेंट के जवाब, आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा कि 2-3 दिन या कभी अगर मौका मिलता है तो मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, 5 मिनट आपके लिए, 10 मिनट जिससे कि आपका हेल्प हो सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे बहुत यूज़फुल जानकारी मिलती है, हम लोग फालतू की बहुत ज़्यादा बातें करते नहीं, कोशिश कर रहे हैं कि करें फालतू बातें भी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, और भी कुछ इस पर बातें होंगी। जय हिंद।